हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। आज का टॉपिक है हमारा इनोवेशन इन इवैल्यूएशन सिस्टम एज पर न्यू एंड अपडेटेड नेट सिलेबस। ये टॉपिक है आपका नया लॉन्च जो सिलेबस है नेट का फॉर जून 2019। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। अगर आप पढ़ोगे और पूरी वीडियो देखोगे तो आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। इनोवेशन इन इवैल्यूएशन सिस्टम में हम बात करते हैं उन टेक्निक्स की जो कि न्यू हैं एंड इनोवेटिव टेक्निक्स हैं और जिनको हम यूज़ करते हैं इवैल्यूएशन सिस्टम में। जैसे आपको पता है कि पहले हम जब इवैल्यूएट करते थे स्टूडेंट्स को तो एक प्रॉपर इवैल्यूएशन होता था जो कि आपका फॉर्मेटिव, समेटिव, इस तरह के इवैल्यूएशन होते थे या डायग्नोस्टिक होता था। बट अभी क्या है, अभी डिफरेंट टाइप ऑफ इनोवेशन टेक्निक्स है जिनको हमें टीचिंग में यूज़ करना चाहिए या जो टीचिंग में यूज़ की जा रही है अराउंड द वर्ल्ड। उन इनोवेशन की के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो ये जो इनोवेशन टेक्निक्स हैं ये आपकी ग्लोबली भी रिकॉग्नाइज्ड हैं, मतलब ग्लोबल लेवल पे भी इनको यूज़ किया जाता है और आपके इंडिया में भी इनको यूज़ किया जाता है। तो आपके क्वेश्चंस में ये जो टेक्निक्स हैं आपकी पूछी जा सकती हैं एग्जाम में, मतलब भी पूछा जा सकता है या फिर एग्जाम में आपको एक सिचुएशन दिया जा सकता है और उसमें पूछा जा सकता है कि आपको कौन सी टेक्निक्स यहाँ पर अप्लाई करनी चाहिए। ओके, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं। जो पहली टेक्निक है आपकी वो है आउटकम असेसमेंट, जिसको हम प्राइमरी ट्रेट असेसमेंट बोलते हैं। तो बेसिकली इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, हम जब स्टूडेंट को पढ़ा रहे होते हैं या जब टीचिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे जो स्टूडेंट है उसके अंदर के जो ट्रेट्स हैं, मतलब जो उनकी क्वालिटी है, ऑन द बेसिस ऑफ दोज क्वालिटी हम उनको असेस करते हैं। ठीक है, उनकी क्वालिटी कैसे वो बिहेव कर रहे हैं, कैसे उन्होंने पढ़ा है, क्या जो कंप्लीट जो कोर्स है वो उनके बिहेवियर में क्या चेंजेस लाया है, इस पूरी चीज़ों को हम असेस करते हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम उनको इवैल्यूएट करते हैं। मतलब जो हमने टीचिंग उनको प्रोवाइड करी तो उस टीचिंग के बाद उनमें कितना ज़्यादा चेंज हुआ, उनकी क्या क्वालिटीज़ रिफ्लेक्ट हो रही हैं या उनका जो बिहेवियर था वो कैसे चेंज हो गया, ये सारी चीज़ें हम आउटकम असेसमेंट में करते हैं या प्राइमरी ट्रेट एनालिसिस में करते हैं। ओके, तो इससे हमें ये पता चलता है कि कैसे कितने सक्सेसफुली उन्होंने मास्टर्ड किया है कोर्स को और वो जो सारी चीज़ें हम चाहते थे उनको लर्निंग प्रोवाइड करना, वो लर्निंग वो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ये है आपका आउटकम असेसमेंट या फिर प्राइमरी ट्रेट एनालिसिस। अब जो टर्म है, देखिए आउटकम असेसमेंट, आउटकम असेसमेंट का मतलब क्या होता है कि आउटकम क्या निकला इस चीज़ का, आपने जो टीचिंग कराई उसका आउटकम क्या निकला। तो हम यहाँ पे इस चीज़ का असेस कर रहे हैं, इस चीज़ को इवैल्यूएट कर रहे हैं कि आपके टीचिंग प्रोसेस का क्या आउटकम था। ठीक है, प्राइमरी ट्रेट एनालिसिस का मतलब क्या हुआ, प्राइमरी ट्रेट मतलब जो उनकी क्वालिटी है, जो प्राइमरी क्वालिटी है जो जनरेट हो रही है आउट ऑफ लर्निंग, आउट ऑफ टीचिंग, उसको हम एनालाइज कर रहे हैं या उसको हम इवैल्यूएट कर रहे हैं। तो आई होप आपको नंबर वन कम्प्लीटली क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो आपका है वो है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बाय स्टूडेंट। अब इसका क्या मतलब होता है, देखिए फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन वो इवैल्यूएशन होता है जो ऑनगोइंग होता है, जिसको हम करते रहते हैं और ये पीरियड ऑफ टाइम में डिवाइडेड होता है और ये पूरी ही टीचिंग प्रोसेस में आपके चलता रहता है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं हम, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन पहले किससे होता था, टीचर्स करते थे इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन आपका टीचर्स करते थे। अब की जो इनोवेटिव टेक्निक्स है उनमें हम कह रहे हैं, मॉडर्न टीचिंग में कह रहे हैं, स्टूडेंट सेंट्रिक टीचिंग में हम ये बोल रहे हैं कि ये जो इवैल्यूएशन होगा ये स्टूडेंट्स खुद करेंगे। ओके, ये खुद इंडिविजुअली अपने फीडबैक देंगे और अपने बारे में बताएंगे कि उन्होंने कितनी लर्निंग की है। अब देखिए दो तरीके से हो सकता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, आइदर आप ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बाय स्टूडेंट्स कराइए या फिर बाय कलीग्स करवाइए। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पीपीटी में आपके। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बाय स्टूडेंट्स होता क्या है। बाय स्टूडेंट्स का मतलब है कि जब स्टूडेंट्स खुद टीचिंग प्रोसेस में वो लर्न कर रहे हैं चीज़ों को, लर्निंग फेज उनकी चल रही है और विद इन द कोर्स अगर वो खुद से इवैल्यूएट करने को उनको कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको इतनी लर्निंग प्रोवाइड कर दी, मैंने आपको दो मॉड्यूल कंप्लीट करा दिए टीचिंग के एंड कम्युनिकेशन के, अब इन टीचिंग और कम्युनिकेशन मॉड्यूल के बाद आपकी क्या लर्निंग हुई है। मैं आपसे अगर ये कहती हूँ कि आप अपने आप को इवैल्यूएट कर दिए ऑन द स्केल ऑफ 10, तो आप अपने आप को कितना पॉइंट दोगे। तो इस तरीके से इसको हम बोलते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बाय स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट है आपका डायरेक्ट क्वेश्चनिंग ऑफ स्टूडेंट्स। तो डायरेक्ट क्वेश्चनिंग में, जैसा कि टर्म आप समझ रहे हो, डायरेक्ट क्वेश्चनिंग में हम स्टूडेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं
कि आपने कितना सीखा, मतलब आप विद इन द कोर्स आप स्टूडेंट के पास जा सकते हो, उनसे पूछ सकते हो कि आपने इस कोर्स में कितना सीखा। और ये जो क्वेश्चन होते हैं ये डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, इनमें हमें ऐसे क्वेश्चन करना हो चाहिए कि जो आपके स्टूडेंट हो वो उस चीज़ का स्पेसिफिक रिस्पॉन्स दे पाएँ। मतलब आपको ये पूछना चाहिए कि हाउ मेनी ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो इससे आपको समझ में आएगा कि बच्चे वो चीज़ समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। तो उनसे यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, और जो इंस्ट्रक्टर होता है, जो टीचर होता है, वो डायरेक्टली उनसे पूछता है कि आपको कितना समझ में आया है, या आप क्यों कैसे समझ रहे हो, क्या चीज़ें, मतलब ये सारी चीज़ें, ठीक है। हम उनसे स्टूडेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे कोई भी चीज़ जो रिलेटेड कोर्स हो वो आप उनसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, उनको समझ में आया या नहीं आया, उनको नहीं समझ में आया तो क्यों नहीं समझ में आया, ये सारी चीज़ें आप उनसे डायरेक्ट क्वेश्चनिंग में कर सकते हैं। तो अगेन ये इवैल्यूएशन का एक नया तरीका है। अगर आपको लगता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे से, मतलब जो इवैल्यूएशन आपका चल रहा है, जब आप उनको इवैल्यूएट कर रहे हो, तो आप जब उनसे क्वेश्चन पूछते हो तो आप उनको, आपको मतलब इजीली समझ में आता है कि उनको समझ में आ रहा है चीज़ें या नहीं समझ में आ रही हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका मिनट पेपर्स और जस्ट इन टाइम टीचिंग। मिनट पेपर में क्या होता है कि मिनट पेपर में हम बेसिकली ये बोलते हैं, जब आपकी क्लास ख़त्म होती है तो जो इंस्ट्रक्टर होता है, जो टीचर होता है, वो बोलता है कि आप एक काम करिए, आप मिनट पेपर बना लीजिए, या आप कुछ क्वेश्चन के आंसर्स कर दीजिए, ठीक है। तो हम इनको मिनट पेपर क्यों बोलते हैं, मिनट पेपर हम इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि कुछ मिनट्स का काम होता है, एक या टू मिनट में, वन और टू मिनट्स में ये कंप्लीट हो जाता है। तो आप उनसे उनको क्वेश्चन दे देते हैं, और एट द एंड ऑफ द क्लास आप उनसे बोल देते हैं कि आप इन क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर दे दीजिए मुझे, जैसे व्हाट इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंस थिंग यू हैव लर्न टुडे। तो जस्ट इन टाइम हम इनको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जब हमारी टीचिंग चल रही है उसके साथ साथ हम उनको इवैल्यूएट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आपने टीचिंग दे दी, एक क्लास आपकी ख़त्म हुई, आपने तुरंत उनसे मिनट पेपर ले लिया, आपने तुरंत उनका जस्ट इन टाइम इवैल्यूएशन कर दिया। जस्ट इन टाइम इवैल्यूएशन में बेसिकली क्या फीचर्स हैं इसके, कि बहुत ही मतलब ईजी होता है, आपको तुरंत पता चल जाता है, उसी टाइम पे आपको पता चल जाता है कि बच्चे जो हैं, जो स्टूडेंट्स हैं आपके, वो लर्न कर पा रहे हैं चीज़ों को या नहीं, वो समझ पा रहे हैं चीज़ों को या नहीं समझ पा रहे हैं। तो इसमें जो होता है, इंस्ट्रक्टर डायरेक्टली पूछता है क्वेश्चन और उनको बोलता है कि आपको राइट डाउन करके देना है, ठीक है। तो यहाँ पे राइटिंग का एक कॉन्सेप्ट आ गया कि वहाँ पे तुरंत ही उनको राइट डाउन करके देना होता है कि ये क्वेश्चन पूछा गया, आपको तुरंत इसके आंसर्स देने हैं। What is the, जैसे क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, What is the most significant thing you have learned today? Okay, what points are still not clear? What question is undermost in your mind at the end of today's class? तो इस तरह के क्वेश्चन से आपको पता चल सकता है कि क्या चीज़ें उन्होंने सीखी है, क्या चीज़ें उनको नहीं क्लियर है, और क्या चीज़ें अभी भी उनके दिमाग में क्वेश्चंस हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको तुरंत रिस्पॉन्स मिल जाते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप उनको ईजिली इवेल्युएट कर पाते हो कि वो सीख पाए आपकी क्लास से या नहीं सीख पाए हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट टीम्स। स्टूडेंट टीम्स में क्या होता है, अगेन ये डॉक्यूमेंटेड आपका अप्रोच है। यहाँ पे हम टीम ऑफ स्टूडेंट्स से कहते हैं कि एक टीम बनाइए और आपस में इवैल्यूएट करिए एक दूसरे को। जो टीम मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे से क्वेश्चन करते हैं, एक दूसरे का इंटरव्यू लेते हैं, और फिर वहाँ पे पूछते हैं कि आप लर्निंग कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। मान लीजिए आपकी क्लास की स्ट्रेंथ है 60 स्टूडेंट्स की, यहाँ पे आपने 6 ग्रुप्स बना दिया ऑफ 10 स्टूडेंट्स, और इन 6 ग्रुप्स को आपस में एक दूसरे को इवैल्यूएट करना है, आपस में एक दूसरे को पूछने हैं क्वेश्चन आंसर्स, पूछने हैं कि आप सीख पा रहे हो या नहीं सीख पा रहे हो, कितना सीखे हो, क्या है, ये सारे क्वेश्चन आंसर जो इंस्ट्रक्टर है वो उनको बनाकर दे सकते हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको पता चल जाता है कि ये आपस में कैसे, मतलब क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या बेनिफिट है, जो स्टूडेंट होंगे वो एक दूसरे स्टूडेंट को इजीली वो बता पाएगा। मतलब हो सकता है जो स्टूडेंट है वो इंस्ट्रक्टर को चीज़ें क्लियरली नहीं बता रहा है कि उसको सीख, मतलब वो सीखा है या नहीं सीखा है, बट अगर वो स्टूडेंट को वो डायरेक्टली इजीली ये चीज़ बता देगा कि उसको क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्या कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। तो अगेन स्टूडेंट टीम भी बहुत ज़्यादा एक बेनिफिशियल इनोवेटिव मेथड है इवैल्यूएशन का। नेक्स्ट है आपके स्टूडेंट्स कोर्स नोट। तो स्टूडेंट कोर्स नोट भी एक अगेन एक अनदर मेथड है। इसमें हम क्या करते हैं, जो टीचर होता है वो स्टूडेंट से पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे जो नोट्स हैं वो मैं देख सकता हूँ, ठीक है, या मैं तुम्हारे नोट्स ले सकता हूँ। तो जो स्टूडेंट जो कोर्स नोट्स बनाता है या जो क्लास में बैठ के वो नोट्स बना रहा है, उसमें वो क्या लिख रहा है, क्या चीज़ें उसको क्लियर हैं, क्या पॉइंट नहीं क्लियर है, क्या पॉइंट वो सोच रहा है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या पॉइंट उसको नहीं इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी जो उनके कोर्स नोट हैं उनके थ्रू आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप उनको इवैल्यूएट कर सकते हो कि उनको कितना समझ में आ रहा है, कितनी उनकी लर्निंग हो रही है, कितनी उनकी लर्निंग नहीं हो रही है। नेक्स्ट आपका आता है चेन नोट्स।
चेन नोट में क्या होता है कि आप एक पेपर पास करते हो अराउंड द क्लास और वहाँ पे मिडवे सेशन, जब क्लास का सेशन चल रहा होता है उसी टाइम पे, जैसे आप क्लास ले रहे हो, क्लास में आपने क्या किया, एक पेपर पे एक पॉइंट लिख दिया, ठीक है, एक पॉइंट लिख दिया, एक क्वेश्चन लिख दिया और उसको पास कर दिया, और आपने लिखा कि आप यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, इस पेपर पे ये सारी चीज़ें लिख दीजिए, या इस पेपर पे जो क्वेश्चन है इसका आंसर दीजिए, या फिर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको लिख कर दीजिए पेपर में। तो इससे भी आपको पता चल जाता है कि स्टूडेंट्स जो हैं, ओवरऑल स्टूडेंट्स जो हैं, उनको चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं समझ आ रही है। तो उसमें क्या करते थे, मिनट पेपर में हम क्या करते थे, एट द एंड ऑफ द क्लास हमें पता चलता था, चेन नोट्स में हम क्या करें, विद इन द क्लास आपके जो विद इन द कोर्स करिकुलम, विद इन द टाइम ऑफ द क्लास आपको पता चल जा रहा है कि चीज़ें उनको समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही है। तो इसका बेनिफिट क्या है कि आप उनके अकॉर्डिंग, मतलब अगर आपको लग रहा है कि उनको नहीं समझ में आ रहा है तो वहाँ पे आप चीज़ों को चेंज कर सकते हो, दूसरी तरीके से उनको पढ़ा सकते हो। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट स्टडी ग्रुप्स। स्टूडेंट स्टडी ग्रुप्स क्या होते हैं, देखिए इसमें क्या होता है कि आप अगेन आपकी क्लास की मान लीजिए 30 स्ट्रेंथ है, आपने यहाँ पे डिवाइड कर दिया 10 ग्रुप्स में, ठीक है, इनको और 5-5 स्टूडेंट्स के, तो यस नो 3-3 स्टूडेंट्स के और 5-5 स्टूडेंट्स के आपने ग्रुप बना दिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप बेसिकली उनको डिवाइड कर रहे हो और उस ग्रुप से आपने एक एक रिप्रेजेंटेटिव मतलब चुन लेना है, एलेक्ट कर देना है, और वो आपस में ग्रुप्स आपस में बात करेंगे, आपस में स्टडी करेंगे, आपस में एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछेंगे। उसके बाद जो उनका रिप्रेजेंटेटिव होगा हर ग्रुप का, वो आपके पास आएगा और आप उनसे पूछेंगे कि उन लोगों ने कितना सीखा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि आपके स्टूडेंट्स 60 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनका 10 ग्रुप है, 10-10 स्टूडेंट्स का, ओके सॉरी 6 ग्रुप्स है 10-10 स्टूडेंट्स का, तो इन 10 स्टूडेंट के कितने हो गए रिप्रेजेंटेटिव, 6 ग्रुप्स के 6 रिप्रेजेंटेटिव हो गए। ये 6 रिप्रेजेंटेटिव आपके पास आएंगे, टीचर के पास आएंगे और बताएंगे उनको कि आपने क्या, मतलब उन स्टूडेंट्स ने क्या सीखा है और ग्रुप में क्या चीज़ का डिस्कशन हुआ है। तो इस बेसिस पे भी आप इजीली स्टूडेंट्स को इवैल्यूएट कर रहे हो, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप ग्रुप इवैल्यूएशन कर रहे हो, आप ग्रुप के थ्रू आप समझ पाओगे कि स्टूडेंट को समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है। इंडिविजुअल इवैल्यूएशन अगेन यहाँ पे थोड़ा टफ हो जाता है। नेक्स्ट है आपका इनफॉर्मल कन्वर्सेशंस। इनफॉर्मल कन्वर्सेशंस के थ्रू भी हम स्टूडेंट्स को इवैल्यूएट कर सकते हैं। इनफॉर्मल कन्वर्सेशन का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए आपने क्लास खत्म कर ली, उसके बाद आप स्टूडेंट्स के पास जा रहे हो, उनसे पूछ रहे हो कि आपको क्या समझ में आया, नहीं समझ में आया, या फिर आप बिफोर और आफ्टर क्लास, आफ्टर क्लास भी आप पूछ सकते हो, बिफोर क्लास भी आप पूछ सकते हो। इसके अलावा आप हो सकता है उनको, आप मतलब उनको ईमेल कर सकते हो, ईमेल के थ्रू उनसे आप रिस्पांस मांग सकते हो। तो इस तरीके की जो चीज़ होती हैं, जो इनफॉर्मल कन्वर्सेशंस होती हैं, जो आपके क्लासरूम सेटिंग में नहीं होती है, उसके बाहर या उसके पहले या उसके बाद में होती हैं, वो सारी कन्वर्सेशन जो कि इंस्ट्रक्टर, जो कि टीचर है एंड जो आपका स्टूडेंट है, उन दोनों के बीच में हो रही है फॉर द पर्पज ऑफ इवेल्युएशन ऑफ द स्टूडेंट, उसको हम बोलते हैं इनफॉर्मल कन्वर्सेशन। नेक्स्ट आपका आता है इंडेक्स कार्ड। इंडेक्स कार्ड में क्या होता है कि जब आपकी क्लास चल रही होती है या मतलब जब आपकी क्लास हो रही होती है, उस टाइम पे आप इंडेक्स कार्ड को सर्कुलेट करते हो, या फिर आप कह लो ड्यूरिंग द टर्म। ड्यूरिंग द टर्म मतलब कि जो आपका कोर्स करिकुलम है उस टर्म के बीच में आप एक इंडेक्स कार्ड देते हो, डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्स कार्ड्स होते हैं, उसमें आगे और पीछे दो क्वेश्चन लिखे होते हैं, एक फ्रंट पे होता है एक बैक पे होता है, ये दो क्वेश्चन लिखे होते हैं और इन दो क्वेश्चन का आंसर देना होता है स्टूडेंट को, ओके। तो ये आपके इंडेक्स कार्ड होते हैं, ये वन हो सकता है और वन से ज़्यादा भी हो सकता है, आप मोर देन वन भी इंडेक्स कार्ड्स बना सकते हो और स्टूडेंट्स को पास ऑन कर सकते हो। ये कब करते हो आप, सेवरल टाइम ड्यूरिंग द टर्म, मतलब जब भी आपका कोर्स करिकुलम चल रहा है उसमें जब भी आप चाहो तब भी आप इंडेक्स कार्ड के थ्रू उनको इवैल्यूएट कर सकते हो। और इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जैसे आपका ओवरऑल इंप्रेशन क्या है, जनरल क्वेश्चन इसमें ज़्यादा पूछे जाते हैं, कोर्स से आपको क्या समझ में आ रहा है, कोर्स को आपको लग रहा है कि प्रैक्टिकली ये हेल्प करेगा या नहीं करेगा, इस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे इंडेक्स कार्ड में हम पूछते हैं, तो जनरल क्वेश्चन हम यहाँ पे पूछते हैं। नेक्स्ट है आपका आउटसाइड इवैल्यूएटर्स। आउटसाइड इवैल्यूएटर्स अगेन मतलब एक टेक्निक है जिसके थ्रू आप अपने स्टूडेंट्स को इवैल्यूएट कर सकते हो। यहाँ पे क्या होता है, जो टीचर होता है वो ऑलरेडी टीचिंग मतलब जो टीचिंग होता है वो प्रोवाइड कर रहा होता है और लर्निंग प्रोवाइड कर रहा होता है, और मतलब इवैल्यूएशन के लिए बेसिकली हम किसी इवैल्यूएटर को बुला लेते हैं और वो आउटसाइड पार्टी होता है। वो आपका कोई कलीग भी हो सकता है, डिपार्टमेंटल कलीग भी हो सकता है, या किसी और आपके एसोसिएट, कॉलेज का कोई एसोसिएट हो सकता है, कोई सब्सिडरी है अगर आपके कॉलेज की, कोई मतलब कोई सिस्टर कॉलेज है आपका, या आप कह लो कोई रिलेटेड कॉलेज है तो वहाँ का भी पर्सन हो सकता है। तो वो एक आउटसाइड इवैल्यूएटर होता है, वो आता है और वो आपके स्टूडेंट्स को इवैल्यूएट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक अगेन
यहाँ पे कैंपस वाइड एंड डिसिप्लिन बेस्ड ये लर्निंग होती है, और यहाँ पे अगेन आप इवैल्यूएट कर सकते हो। और बेसिकली इसका जो तरीका होता है वो ओरल इवैल्यूएशन का होता है। तो जैसे कि आपको याद होगा कि एग्जामिनर्स आते थे आपके कॉलेज में, ठीक है, तो यहाँ पे भी एग्जामिनर आ रहे हैं। बट एग्जामिनर का क्या है, वो एग्जामिनर जो आते थे वो एट द एंड ऑफ द एग्जाम, मतलब एट द एंड ऑफ द कोर्स आते थे, ठीक है। जब आपका कोर्स खत्म हो जाता था उसके बाद आपका इवैल्यूएशन करने एग्जामिनर आता था, जो कि आपका वाइवा लेता था या प्रैक्टिकल के मार्क्स देता था। बट यहाँ क्या है, मिडवे थ्रू द टर्म, मतलब मिडवे टर्म जो आपका चल रहा होता है उसी के बीच में आपका इवैल्यूएटर आता है। अब इसका बेनिफिट क्या हो जाता है, यहाँ पे जब आपका मिडवे चल रहा है, आपने इवैल्यूएशन करा लिया ऑलरेडी स्टूडेंट्स का, तो आपको पता चल जाता है कि कितनी लर्निंग ऑलरेडी हो गई है और कितना और आपको वर्क करना बाकी है, ठीक है, या प्रीवियस लर्निंग में ऐसे कितनी चीज़ें हैं जो अभी भी स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं है। नेक्स्ट है आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बाय ग्रेजुएट टीचिंग असिस्टेंट। अब अगेन एक कॉन्सेप्ट है ग्रेजुएट टीचिंग असिस्टेंट का। टीचिंग असिस्टेंट वो लोग होते हैं जो आपके प्रोफेसर्स या लेक्चरर्स को हेल्प करते हैं, या आपके रिसर्च स्कॉलर्स हो सकते हैं या प्रोजेक्ट एसोसिएट्स हो सकते हैं, तो रिसर्च एसोसिएट्स हो सकते हैं। तो ये लोग जो होते हैं वो टीचिंग असिस्टेंट के नाम से जाने जाते हैं। इनको एज अ टीचिंग असिस्टेंट भी बहुत स्कूल्स होती हैं, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वो हायर करती हैं। तो ये भी इवैल्यूएशन कर सकते हैं, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कर सकते हैं, मतलब ऑनगोइंग इवैल्यूएशन कर सकते हैं। ये जब आपकी टीचिंग चल रही होती है उसके साथ साथ टीचर के साथ साथ जो टीचर होता है वो पढ़ा रहा होता है, जो प्रोफेसर होता है वो पढ़ा रहा होता है, बट जो टीचिंग असिस्टेंट होते हैं ये इवैल्यूएशन पे फोकस कर रहे होते हैं। तो अगेन यहाँ पे हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बाय ग्रेजुएट टीचिंग असिस्टेंट भी ले सकते हैं। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो टीचिंग असिस्टेंट है वो ग्रेजुएट होना चाहिए। अब किसी ट्वेल्थ क्लास पर्सन को इवैल्यूएशन के लिए नहीं बुला सकते, तो एक प्रॉपर डिग्री होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। देन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बाय फैकल्टी कलीग। तो मैंने आपको बताया था पहले फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बाय स्टूडेंट पे मैंने आपको बताया था कि एक और टेक्निक होती है जहाँ पे हम फैकल्टी जो होते हैं हमारे या कलीग्स जो होते हैं उनके थ्रू हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कराते हैं। तो आपके दो तीन हो गए टेक्निक्स, पहला आपका हो गया फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बाय स्टूडेंट्स, दूसरा आपका हो गया फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बाय टीचिंग असिस्टेंट, एंड तीसरा हो गया आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बाय फैकल्टी या कलीग। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, आप जैसे मान लीजिए कि आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टीचर हो अपनी क्लास में, और आप चाहते हो कि कोई अलग कलीग जो आपका है, जो अलग सब्जेक्ट का टीचर है, या आपके मतलब हो सकता है कि आप किसी और क्लास को टीच कर रहे हो, आप बीकॉम को टीच कर रहे हो, वो कर रहा है एमकॉम को, तो एमकॉम वाला हो सकता है बीकॉम को जज करने को रेडी हो जाए। तो इस तरीके से आप अपने जो फैकल्टीज होते हैं, जो आपके पीयर होते हैं, उनसे आप कहते हो कि आप वो आपके स्टूडेंट्स को फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करें। तो अगेन ये भी एक टेक्निक है, एक इनोवेटिव टेक्निक है कि आप खुद उनको इवैल्यूएट नहीं कर रहे हो, जो आपके रिलेटेड टीचर्स हैं या पीयर्स हैं वो उनको इवैल्यूएट कर रहे हैं। जैसे देखिए इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि आपको पता है बोर्ड्स के जो कॉपीज होते हैं वो हमेशा दूसरे कॉलेजेस में जाते हैं चेक होने के लिए, आपको पता नहीं होता कि कौन आपकी कॉपी चेक कर रहा है। तो वहाँ पे कौन इवैल्यूएशन कर रहा था, कोई एक जो आपका पीयर है, जो कलीग है, वो इवैल्यूएशन कर रहा है। अब वहाँ पे क्या था, वो आप जो टीचर होते तो वो उनको पर्सनली जानता नहीं था, ठीक है। यहाँ पे क्या है, टीचर जो है वो ऑलरेडी पर्सनली जानता है उस पर्सन को, ठीक है। और ये ज़रूरी है कि वो पर्सन जो है वो सीनियर फैकल्टी हो सकता है, ठीक है, हैव द बैकग्राउंड ऑफ प्रस्पेक्टिव नीड, जो भी चीज़ें चाहिए उस कोर्स के इवैल्यूएशन के लिए वो नॉलेज उसको होनी चाहिए। तो उस पर्सन को ये पता है कि जिस पर्सन से वो इवैल्यूएशन करा रहा है वो पर्सन ऑलरेडी बहुत केपेबल है, इवैल्यूएशन करने के केपेबल है, तभी वो इवैल्यूएशन करा रहा है। पहले क्या होता था, आपकी कॉपीज चल जाती थी, आपको पता नहीं होता था कि किस टीचर के पास जा रही है, उसका वे ऑफ बिहेवियर कैसा है, उसका वे ऑफ टीचिंग कैसा है, उसका वे ऑफ लर्निंग कैसा है। हो सकता है जो लर्निंग चीज़ें, जो चीज़ें आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है किसी और टीचर को लग रहा हो कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगेन यहाँ पे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन आप करा रहे हो जो कि आपके खुद के कलीग्स हैं, आपके खुद के पीयर्स हैं और फैकल्टीज हैं। नेक्स्ट है आपका सेल्फ इवैल्यूएशन। सेल्फ इवैल्यूएशन अगेन बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे जो स्टूडेंट होता है वो खुद से खुद को इवैल्यूएट करता है, अपनी एक मतलब पोर्टफोलियो बनाता है जिसके थ्रू उसको खुद वो बताता है कि मैंने कितनी टीचिंग ली है। सेल्फ इवैल्यूएशन आपकी दोनों ही लोगों पे एप्लीकेबल होती है, चाहे वो टीचर हो चाहे आपका स्टूडेंट हो। मतलब जो एक टीचर है, जो इंस्ट्रक्टर है, वो खुद को भी इवैल्यूएट कर रहा है कि जिसने वो टीचिंग जितनी वो टीचिंग करा रहा है वो बेनिफिशियल है या नहीं है, वो खुद को इवैल्यूएट कर सकता है। उसके अलावा जो स्टूडेंट है वो भी खुद को इवैल्यूएट कर रहा है कि जो मैंने लर्निंग ली है, जो मुझे लर्निंग मिली है, वो इफेक्टिव है या नहीं है। ओके, नेक्स्ट आपका है मोडियस पॉइंट। जैसे मैंने आपको बताया था 1 मिनट पेपर के बारे में, या फिर ऑन द टाइम
ऑन द टाइम जो आपका इवेल्युएशन था या मिनट पेपर था, वैसे ही मूडियस पॉइंट होता है। मिनट पेपर में हम ये देखते थे, ये पूछते थे कि क्या चीज़ें आपने सीखी हैं, क्या क्या चीज़ें आपको नहीं समझ में आई है। यहाँ पे हम सिर्फ यही पूछते हैं कि क्या चीज़ें आपको नहीं समझ में आई है। तो यहाँ पे सिर्फ यही पूछा जाता है कि क्या चीज़ें आपको नहीं समझ में आती है, और उसी के बेसिस पे आप यहाँ पे क्लियर करते हो। ओके, तो 1 मिनट पेपर जैसा ही है, वहाँ पे पॉजिटिव चीज़ें भी पूछी जाती थी, यहाँ पे क्या नहीं समझ में आया है सिर्फ वही पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका आता है एप्लीकेशन आर्टिकल। यहाँ पे हम बोलते हैं स्टूडेंट को कि जब 15 मिनट्स बचा होता है क्लास ख़त्म होने के पहले, तो उनसे हम बोलते हैं कि एक काम करिए, आप एक शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल लिख लीजिए या कोई भी एक आर्टिकल लिख लीजिए जिसके बेसिस पे, मतलब उसका बेसिस क्या होगा जो आपने पढ़ा है। तो अभी जो 45 मिनट्स में आपने पढ़ा है क्लास में, उसके बेसिस पे आपको 15 मिनट्स में लिखना है कि आप इस चीज़ को रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करोगे या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसका क्या होगा। अब यहाँ पे क्या होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ईजिली समझ जाते हैं, मतलब जब चीज़ें वो खुद से सोचते हैं कि हाँ जो मैंने आज सीखा है वो प्रैक्टिकली ऐसा होगा, या उस पर आर्टिकल लिखते हैं तब उनको समझ में आता है कि रियल लाइफ में वो चीज़ें कैसे इम्पैक्ट करती हैं। तो अगेन आप यहाँ पे इवेल्युएट कर रहे हो स्टूडेंट्स को कि कैसे उनको, मतलब वो प्रैक्टिकली उन चीज़ों को कितना ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप अप्लीकेशन उनका देख रहे हो कि स्टूडेंट कितना ज़्यादा अप्लीकेशन करते हैं थ्रू एन आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल राइटिंग के थ्रू आप उनका अप्लीकेशन चेक कर रहे हो कि वो रियल लाइफ से, जो आपकी क्लासरूम टीचिंग है, क्लासरूम टीचिंग को वो रियल लाइफ से कैसे अप्लाई करते हैं, और एप्लीकेशन कहाँ कर रहे हैं, रियल लाइफ में। ओके, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट जनरेटेड टेस्ट क्वेश्चन। देन आपका आता है स्टूडेंट जनरेटेड। यहाँ पे क्या होता है कि स्टूडेंट को आप ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हो और हर ग्रुप को बोलते हो कि आपको कुछ टेस्ट क्वेश्चंस बनाने हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए 30 स्टूडेंट्स हैं, आपने 5-5 के ग्रुप बना दिए और हर ग्रुप को आपने बोल दिया कि आपको टेस्ट क्वेश्चंस बनाने हैं। उसके बाद आपने एक टेस्ट क्वेश्चन, मतलब जो एक ग्रुप है उसके टेस्ट क्वेश्चन को दूसरे ग्रुप के टेस्ट क्वेश्चन की तरफ पास कर देना है, दूसरे ग्रुप वाले को एक ग्रुप पे पास कर देना है, आपस में एक दूसरे के क्वेश्चंस को इंटरचेंज कर देना है और उन लोगों को आंसर करने को बोलना है, ठीक है। तो ये आपका है, और इसी साथ साथ ये भी एश्योर करना बहुत ज़रूरी है कि जो क्वेश्चंस हों उसमें एटलीस्ट जो स्टूडेंट्स हैं वो एटलीस्ट 1 या 2 क्वेश्चन के राइट आंसर दे ही पाएँ, ठीक है। उससे क्या होगा, उनका मोटिवेशन इंक्रीज होगा। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, ये सारी चीज़ें हम कंसीडर करते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप आपको सारी इनोवेटिव टीचिंग टेक्निक आपको समझ में आ गई हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास थी ये, तो मैंने कोशिश किया था कि आपको ईजिली टॉपिक आपको समझ में आए ये। ओके, तो अगर कोई भी रिलेटेड क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा और भी इनोवेटिव टेक्निक्स आ सकती हैं, हो सकता है मतलब इससे रिलेटेड और भी इनोवेटिव टेक्निक्स हो, तो अगर आगे भी मुझे कोई ऐसी इनोवेटिव टेक्निक मिलेगी, वैसे तो ये मोर देन सफिशियंट है आपके लिए, इससे ज़्यादा नहीं पूछे जाना चाहिए, बट इसके अलावा अगर कुछ मिलता है मुझे कोई इनोवेटिव टेक्निक, तो मैं इसको अपडेट करते रहूँगी। थैंक यू सो मच। कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।